एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो धर्म की शक्ति के बल पर शांति का काम कर रहे हैं देखिए अगर कोई बच्चा जब ग्रोइंग और अच्छा उसे कोई स्पिरिचुअल अच्छा टीचर नहीं मिलता अच्छा स्पिरिचुअल टीचर अगर नहीं मिलता है जो बहुत खुद क्लियर हो इन सब इश्यूज के ऊपर तो उसको क्या मिलता है उसको मिलती है बॉलीवुड फिल्म्स जिसमें तो विलेन को तो जी जब तक पीटोगे नहीं या मारोगे नहीं या पहाड़ से वो गिर नहीं जाएगा या उसे गोली नहीं लग जाएगी जब तक तब तक तो मूवी मतलब खत्म ही नहीं होगी ना तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा फाइनली सोसाइटी का हमारी सोशलाइजेशन जो होती है वो तो हमें वायलेंस सिखाती है तो फाइनली uh, कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस में बैठने लगता है कि नो कि जो है वो सोल्यूशन है क्योंकि दुनिया चल रही है ये ये प्रूफ है इस बात का कि यू नो मेजोरिटी जो लोग हैं हर कम्युनिटी के वो नॉन वायलेंट हैं तो वायलेंस जो है हमारी नेचुरल सेल्फ के अगेंस्ट चलता है और जब आप वायलेंस के बारे में सोचते हो तो कोई भी ये सोचेगा कि ये सब लोग वायलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं आपके पड़ोस में आपके नेबरहुड में हर जगह वायलेंस क्यों नहीं है जबकि एक तरफ से लॉजिक आ रहा है कि वायलेंस ही तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो ये समझ में आने लगा कि वॉयलेंस जो है या हिंसा जो है वो लव का एबसेंस है और नॉन वॉयलेंस जो है या अहिंसा जो है वो तब हासिल कर पाते हैं जब मोहब्बत मिल जाती है जब लव इज फाउंड वेन लव इज फाउंड अहिंसा इज अचीव तो मुझे जो ये एक दोनों का आमना सामना जो था इनका जो कंपैरिजन था यह जक्स्ट जो थी इन दोनों की तो उसमें नजर आया कि आ, हिंसा इज समथिंग वायलेंस इज समथिंग जिसमें यू you नो know, आप नफरत करने को तैयार हो अपने दुश्मन से और आप ख्वाब देखते हो कि आपका दुश्मन जो है एक दिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अहिंसा ये समझ में आई कि अहिंसा वो चीज़ है या नॉन वायलेंस वो चीज़ है जिसमें आप अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करने को तैयार हो और ख्वाब देखते हो कि मेरा जो दुश्मन है किसी दिन मेरा अच्छा दोस्त बन जाए मैं ये बोलूँगा कि ये जो एक एक डिबेट इंटरनल डिबेट एक कॉन्ट्रोडिक्शन एक दिमाग में कह लीजिए एक तूफान कि क्या रियलिटी क्या है इन सब चीजों के पीछे सच क्या है ये चॉइस करने में आ, मैं एक्चुअली अपने आप से चॉइस नहीं कर पाया और ये चॉइस करने में मुझे जो है मेरी फेथ ने आ, मुझे हेल्प किया और मैंने फिर जो है नॉन वायलेंस का और दोस्ती का मतलब एक नेचर तो था ही एक्सपीरियंस तो थी बट जो कुछ लोग बातें कर रहे थे आपको नफ़रत की तरफ दुश्मनी की तरफ धकेलने के लिए उनके अगेंस्ट जो है आ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे फेथ ने मुझे हेल्प किया कि मैं आ, क्या चॉइस चूज करता हूँ पर दिल में से एक आवाज़ आई उसने बोला कहीं इनका रीज़न मोहब्बत तो नहीं था कहीं इनका रीजन लव तो नहीं था कहीं अपने मर्डर तक से लव तो नहीं करते थे और जब मैंने उस नजरिए से उस स्टोरी को देखा तो वो स्टोरी खुलती चली गई वो अपने आप एक्सप्लेन होती चली गई तो ये एक पॉइंट था जिसने मुझे कंप्लीटली झंझोड़ दिया था और कंप्लीट नॉन वायलेंस के यहां तक कि अपने मर्डरर से मोहब्बत करने का आइडिया कि अगर कोई आपको कत्ल भी कर रहा है किल भी कर रहा है उससे भी आप मोहब्बत लेके मर जाओ उसके लिए वो आइडिया जो है मेरे दिल में जो है इस स्टोरी के जरिए एंटर किया ये बातें मुझ तक पहुंची क्यों नहीं मुझ तक ये क्यों नहीं पहुंचा कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो गुस्सा पीजा और माफ कर दो ये कुरान का ये सेंटेंस मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा कि वो कहता है 41, 34 से 36 में आता है, अच्छा ही बुराई एक जैसे नहीं है बुराई का बदला एहसान से दो और तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को मेरे दिल में ही आया कि हमें यह बता रहे हो कि दुश्मन 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 ये सब दुश्मन वो दुश्मन ये क्यों नहीं बता रहे कि दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं कुरान बता रहा है कि बुराई का बदला एहसान से दोगे तो दुश्मन दोस्त हो जाएगा ये क्यों नहीं बता रहा है कि आज का दुश्मन कल का मेरा दोस्त हो सकता है जो खुदा है जो इस इस कायनात को बनाने वाला है जो रचना करने वाला है वो हेट को और डिवीजन को और दुश्मनी को आइडेंटिफाई नहीं करता उससे वो उसको सब्सक्राइब नहीं करता वो डिविजन से परे है और यही कॉन्सेप्ट आलमीन के कुरान में आता है कि खुदा जो है वो रबीन है वो आलमीन आलमीन मीन हर किसी का चाहे बिलीवर हो या अनबिलीवर हो चाहे काला हो चाहे गोरा हो चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे अफ्रीकी हो सबका जो है मालिक जो है वो सबका एक है और वो इन डिविजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता वो बारिश मुझ पर भी देगा मेरे दुश्मन को भी देगा सूरज मुझ पर भी चमकेगा दुश्मन पे भी चमकेगा तो कुरान इस वर्ष में कह रहा था कि आप पास्ट को पास्ट में अगर उन्होंने जुल्म किया है तो उनकी नफरत जो है आपके दिल में अगर उन्होंने पास्ट में कुछ किया है वो आपको एक्शन को डिक्टेट ना करें बल्कि याद रखो कि तुम्हारा खुदा मुत्तकी बनो मुत्तकी मतलब गॉड कॉन्शियस याद रखो कि तुम्हारा खुदा जो है वो अर रहमान है बिस्मिल्लामानी तुम्हारा खुदा जो है वो रहम का खुदा है वो मोहब्बत का खुदा है तो तो 2017 में हमने जो है अपना ये ऑर्गेनाइजेशन ये नाम सोच के ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम सब भाई हैं हम इंसान के हम सब आदमी की औलाद हैं वी आर वन फैमिली वन रेस वन ह्यूमन रेस